उपमंडल जयसिंहपुर में ब्यास नदी और खड्डों में खनन माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालांकि चुनावों में खनन को नेताओं ने चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन नई सरकार बनने के मात्र कुछ दिन बाद ही खड्डों में रॉयल्टी के नाम पर अवैध तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। जनता ने ध्वनि और पर्यावरण से छेड़छाड़ के खिलाफ कई बार आवाज भी उठाई, मगर अवैध खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खनन हेतु संबंधित विभागों को कई बार सूचित किया जा चुका है, इसके बावजूद खनन का काम जोरों पर है, जिसके चलते ब्यास नदी पर पेयजल परियोजनाओं पर भी संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। ब्यास नदी के किनारे अवैध खनन का धंधा काफी फल फूल रहा है। नदी के किनारे जिनकी भूमि लगती है वो तो मालिकाना मलकियत का हक जताकर चांदी लूट रहे हैं। ब्यास नदी पर खनन माफिया ने लंबे समय से अड्डा जमा कर रखा है, साथ ही खनिज संपदा और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नदी पर जेसीबी का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। ब्यास नदी किनारों पर स्थानीय खननकर्ताओं ने कई मीट्रिक टन अवैध खनिज संपदा को डंप कर रखा है। खनन के मुख्य अड्डे हड़ोटी खंड और सुगड़ीदा बाग, हलेड़, कुंजेश्वर महादेव, ब्यास पतन है, जहां पर डंपिंग का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिससे ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। खनन के मुख्य अड्डे हड़ोटी खंड, जहां पर खनन के साथ डंपिंग का कारोबार भी अच्छे से फल फूल रहा है, जिसे बाद में टिप्पर ट्रक वालों को बेचकर चांदी लूटी जा रही है। लंबागांव थाना के तहत आने वाले इस खनन के सबसे बड़े अड्डे से पालमपुर, बैजनाथ, कांगड़ा आदि क्षेत्रों तक सप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। लंबागांव में मात्र 3 किलोमीटर के सब इंतजाम कर दिया जाता है, जहां खनन माफिया की तूती बोलती नजर आ रही है और पुलिस विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। वहीं दीपक तले अंधेरा वाली कहावत भी यहां सच साबित होती नजर आ रही है। प्रदेश की खनिज संपदा से खिलवाड़ और पर्यावरण से छेड़छाड़ कर लाखों का राजस्व और प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खड्ड में 10-12 फुट गहरे गड्ढे जेसीबी द्वारा कर दिए गए हैं और इन्हीं गड्ढों के कारण पिछले साल अंशु नामक बच्चे की मौत तक हो गई थी, लेकिन शासन प्रशासन ना जाने किस इंतजार में बैठा है। अच्छा सर, ये ब्यास नदी पे जेसीबी द्वारा ट्रैक्टर ट्रक मैं मतलब मटेरियल लोड कर रहे हैं, ये पत्थर रेत वजरी उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर करो कुछ सर। यहाँ हड़ोटी खड के नीचे जो भी है, जो क्रस्टर लगी है, हाँ जी क्रस्टर वाले कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लंबा गाँव साइड, लंबा गाँव की तरफ को, कौन सी खड बताई आपने? हड़ोटी खड। हड़ोटी, हाँ जी सर, मैं बोलता हूँ अभी बोलता हूँ। जयसिंहपुर से अजीत वर्मा की रिपोर्ट।